This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक HRTC मंडी की मंडलीय कर्मशाला के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के उपाध्यक्ष अशोक पराशर ने की। इस दौरान हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। इस दौरान हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के उपाध्यक्ष अशोक पराशर ने कहा कि 3 महीने पहले मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कल्याण मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने कल्याण मंच की मांगों का स्थायी समाधान निकालने पर सहमति दी थी, लेकिन अभी तक हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच की मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ है। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का स्थायी हल के साथ छठे वेतन आयोग को जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि छठे वेतन का एरियल 3 किश्तों में दिया जाए और DA का एरियल भी जल्द से जल्द कर्मचारियों को दिया जाए। सबसे पहले ये जो हमारा सरकार से उनसे मांग पत्र को लेकर के वार्ता चली हुई है, उसमें हमारी मुख्य मांगों में से सबसे पहली मांग हमारा पेंशन का स्थायी समाधान। 2016 का जो पे स्केल अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को या सेवन कर्मचारियों को जो मिलेगा, उस आधार पर निगम से या निगमों बोर्डों के कार्यरत और सेवन कर्मचारियों को भी उनके साथ मिलना चाहिए। और तीसरी हमारी मांग के इसमें जो इसका एरियर है हमारा, तो एरियर हमारा 1/7/2015 से पेंडिंग है सेवन कर्मचारियों का, तो 1/7/2015 से लेकर अब तक का जो DA का एरियर है वो भी हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त हमारे और भी बहुत सारे वित्तीय लाभ हैं, जैसे मेडिकल बिलों के भुगतान की बात हो, ये कार्यरत कर्मचारियों के नाइट ओवर टाइम की बात हो, ये जितने भी हमारी देनदारियाँ जो हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि उनका शीघ्र अतिशीघ्र जो है उसका समाधान करके हमारे को दिया जाए। और हम नई मांग कुछ नहीं करते हैं सरकार से, हम केवल जो हमें लंबित पड़े वित्तीय लाभ हैं उन्हीं के बारे में हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं, और हमारी मांग जायज़ है। इसी सिलसिले को लेकर के आपके ध्यान में होगा, कल हमारी सुंदरनगर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक हमारी प्रदेशाध्यक्ष परमादरणीय बलराम पुरी जी के अध्यक्षता में हुई, उसमें सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी इकाइयों के जितने भी हमारे वहाँ पे महामंत्री आए हुए थे उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की। चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।